अपनी वियतनाम ट्रिप की आखिरी पड़ाव हो ची मिन सिटी में मैं सौरभ आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हो ची मिन सिटी, जिसको साइगॉन के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैं दालात से हो ची मिन तक कैसे आया। हमने रात में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी हो ची मिन सिटी में, पहले वो एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर दिन में हो ची मिन सिटी कैसा दिखता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के साथ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएड जेट वालों से काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई, क्योंकि मैं जो बैगेज था चेक इन बैगेज के लिए मैं ऑनलाइन ट्राई कर रहा था और ऑनलाइन समहाउ पेमेंट पेज तक जाके अटक जा रहा था, पे नाउ का बटन ही क्लिक नहीं हो रहा था। मैंने 6-7 बार ट्राई किया, अलग अलग ब्राउजर्स पे ट्राई किया, ऑनलाइन लग रहा था 1,75,020 किलो का, यहाँ पे इन्होंने मुझसे लिया 17 किलो का, 4,10,000। काफ़ी बहस हुई लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने बोला कि आपने एजेंट के थ्रू, यानी कि मैंने ट्रिप से बुक किया था, अगर इनसे भी बुक किया होता तो भी मुझे डाउट है कि कुछ होता, तो बहस का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अल्टीमेटली मैंने पूरे पैसे दिए और एक बैग चेक इन में डाला। मैं दालात के एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ अपनी अभी तक की लाइफ की शॉर्टेस्ट फ्लाइट लेने के लिए। टोटल डिस्टेंस जो रोड से 276 किलोमीटर्स का है, टाइम लगभग 8 घंटे लगते हैं लेकिन फ़्लाइट में शायद 45-50 मिनट ही लगेंगे। आप लोग चाहें तो रोड से भी जा सकते हैं, दालात से हो ची मिन अच्छे से कनेक्टेड है, लगभग 8 घंटे लगते हैं जैसे मैंने बताया, और फेयर जो है वो लगभग 1200-1300 के आसपास होगा, चाहे वो बस से आप जा रहे हो या वैन से जा रहे हो। ये है हो ची मिन सिटी का तान सोन नाट एयरपोर्ट। ये यहाँ पर बैगेज और पीछे एग्जिट जहाँ से मिलती है टैक्सीज सिटी सेंटर में जाने के लिए। सिटी सेंटर यहाँ से सिर्फ 8-8.5 किलोमीटर की दूरी पे, ग्रैब से बहुत आसानी से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। मैं भी अभी करूँगा, कुछ एक्सपीरियंस में इशू आएगा तो बताऊँगा। फ़्लाइट काफ़ी छोटी सी थी, फ्लाइंग टाइम सिर्फ आधे घंटे का था, 4:30 पे वहाँ से डिपार्चर था और 5 बजे हम लोग यहाँ लैंड कर गए। अभी इंतज़ार कर रहे हैं बैगेज का, बैग आता है फिर टैक्सी पकड़ के जाते हैं अपने होटल की तरफ हो ची मिन सिटी, जिसका नाम पहले था साइगॉन। ग्रैब का जो यहाँ पे पिकअप पॉइंट है वो है लेन D1 पिलर D5। बेसिकली आपको टैक्सी जो ग्रैब से बुक की उसको पिक करने के लिए आपको एक अराइवल हॉल के सामने वाली बिल्डिंग में आना पड़ता है जहाँ से आपको टैक्सी मिलती है। काफ़ी क्योटिक सा टैक्सी पिकअप पॉइंट है यहाँ पे, जो एग्ज़िट है एक्सट्रीम राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बहुत ही स्लो मूवमेंट है कार्स का। हम लोग करीबन 15 मिनट से खड़े हैं, अभी तक हमारी टैक्सी का आता पता नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट में उतर के पूरी मुंबई गया था कि लगभग 20-25 मिनट लगे टैक्सी को हमारे पास तक पहुँचने में, काफ़ी ज़्यादा क्योटिक सा सीन था वहाँ पे, और फाइनली मिल गई टैक्सी। लगभग 45-50 मिनट के ट्रैवलिंग के बाद 8-8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और मुंबई की ट्रैफिक बिल्कुल मिस नहीं हुई, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। और मैंने रिसेप्शन में पूछा तो उन्होंने बताया कि रियली ऐसे 4 से 7 के बीच में ट्रैफिक होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है आज। ये है हमारा बाथरूम जिसमें चिक्की नाच रही है, और ये है हमारे होटल का मैसिव ह्यूज बेड। इतना बड़ा बेड मैंने अभी तक किसी होटल में नहीं देखा था। उधर जो यूजुअल चीज़ें होती वो सारी हैं, कॉफ़ी, फ्रिज, टीवी। ओवरऑल अच्छा है लोकेशन, काफ़ी अच्छा लोकेशन, जब मैं नीचे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कहां पर है क्या है। ये है हमारी होटल लिबर्टी सेंट्रल साइगॉन रिवर साइड के टॉप पे बना हुआ स्विमिंग पूल, और साथ में ही है एक वर्टिकल बार, और पीछे दिखाई दे रहा है साइगॉन यानी कि हो ची मिन सिटी का बुर्ज खलीफा। मैंने चिक्की ने इसका नाम रखा है बुर्ज खलीफा ऑफ साइगॉन, उसी तरह का स्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक, बट 24वें फ्लोर से व्यूज़ स्पेक्टेकुलर। नहीं अभी दो व्यू पॉइंट्स हैं, पीछे एक बिटको फाइनेंशियल सेंटर है वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, एक वो जो बुर्ज खलीफा यहाँ का 81 TV भी, उसके ऊपर भी एक
ऑप्शन है, स्काई डेक जाके आप पूरा हो ची मिन सिटी का व्यू देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ से भी बुरा व्यू नहीं दिख रहा है। ये हो ची मिन सिटी के स्काईलाइन का व्यू, नीचे साइगॉन रिवर जिसमें चल रही है बहुत सारी डिनर क्रूजेज, और उधर है साइगॉन रिवर पर बना हुआ ब्रिज, और पीछे हो ची मिन सिटी का बुर्ज खलीफा। हमारा जो होटल है लिबर्टी सेंट्रल, वो एक्चुअली साइगॉन रिवर के बगल में ही है, और रिवर साइड पे बहुत बड़ा सा एक पार्क है, माहौल बहुत सही है। थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर होटल के रूफटॉप से आपको माहौल दिखाया था, नीचे से दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा शहर लग रहा है मुझे। ट्रैफिक हालांकि थोड़ी सी ट्रबलिंग थी जब मैं एयरपोर्ट से इधर आया था, बट अभी एवरीथिंग इज़ गुड। अगर आप वियतनामीज़ कुजीन ट्राई करना चाहते हैं साइगॉन रिवर में और नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो इस तरह की बहुत सारी रिवर क्रूज़ें चलती हैं जहाँ पे आप आराम से रिवर साइड व्यू एंजॉय कर सकते हैं और डिनर एंजॉय कर सकते हैं। मैंने जो क्लूक पे प्राइसेस चेक किए थे, कुछ 1400-1500 रुपए से स्टार्टिंग प्राइसेस पर्टिकुलर क्रूज़ का। मैंने नोटिस की पूरे ही वियतनाम में, सिर्फ हो ची मिन, हनोई, सापा एक जगह की बात नहीं, पूरे के पूरे कंट्री में ही गार्डनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और जो पार्क्स हैं बहुत अच्छे से मेनटेन किए गए। ये इतना बड़ा सा रोड साइड और रिवर साइड के बीच में पार्क बनाया गया है, स्प्रॉलिंग, इट्स ह्यूज, और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आर यू एंजॉयिंग? यस। चिक्की इज हैविंग फन। ये है वो ट्रेडिशनल वियतनाम की बैम्बू बोट, जिस पे पेंटिंग करके इसी पार्क में, रिवर साइड पार्क पे सजाया गया है। जो रिवर साइड वाला पार्क है उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक डेक सा बनाया गया, व्यूइंग डेक, और वहाँ से जो नज़ारे हैं मैजेस्टिक। ऐसे क्रॉस करते हैं यहाँ पे रोड, ये टिपिकल वियतनामीज स्टाइल रोड क्रॉस करने का। जो रिवर साइड वाला पार्क था उसी से सटा हुआ डायगोनली अपोजिट एक वॉकिंग स्ट्रीट है, एनगुएन वॉकिंग स्ट्रीट बोलते हैं इसको। इस स्ट्रीट पे ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ है। घड़ी में बज रहा है लगभग रात के 10:10, और पूरी तरह से दिन निकला हुआ है, लोगों का परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, जगह जगह स्टैचू बन के खड़े हैं, स्पिट फायर कर रहे हैं, तरह तरह से अर्निंग्स की कोशिश है ये बेसिकली। काफ़ी बसरिंग नाइट लाइफ है यहाँ साइगॉन में, एनगुएन वॉकिंग स्ट्रीट, और ऐसा भी नहीं कि कोई वीकेंड है, वीकडे, आज वेंसडे है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है लोगों का। वीकेंड पे लोग जैसे घूमने निकलते हैं, वीकडेज में निकले हुए हैं। ये फुटबॉल का कुछ अलग ही वर्जन चल रहा है यहाँ पे, लोग अपने अपने स्केटबोर्ड लेके भी आए हुए हैं, लगे हुए स्केट बोर्डिंग करने में। ऐसे पब्लिक स्पेसेस इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैंने बहुत जगह पे नहीं देखे हैं, इनफैक्ट मेरी आदर्श में कोई भी जगह भी नहीं आ रही है। मुंबई में कुछ कोशिशें ऐसी की गई हैं इस तरह की स्ट्रीट्स वीकेंड्स में करने के लिए, और यहाँ पर ये 7 डेज़ के लिए ये स्ट्रीट इसी तरीके से वॉकिंग ओनली है। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये है ओपेरा हाउस हो ची मिन सिटी का, 1897 में बनी हुई बिल्डिंग है, फ्रेंच आर्किटेक्चर का नायाब नमूना। एज यूजुअल गार्डन्स अद्भुत। पीछे है बिटको फाइनेंशियल सेंटर, नीचे एनगुएन वॉकिंग एरिया, और उधर है एक इंडियन रेस्टोरेंट तंदूर, तो वहाँ चलते हैं, भी खाना खाते हैं और मैं बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में। सेंट्रली लोकेटेड है जो होटल मैंने बुक किया है, वो सारी चीज़ें जो भी हैं आसपास में ही हैं। काफ़ी सारी वेटिंग है, सब लोग लग रहा है तंदूर में इंडियन खाना खाने पहुँच गए हैं, बार बैठ के हम लोग इंतजार करें अपने नंबर का। लगभग आधा घंटा लगा हमें
अंदर घुसते में रेस्टोरेंट के काफी भीड़ है। मैंने स्टाफ से फिकर था, उन्होंने बताया कि लंच और डिनर में दोनों टाइम यही हालत होती है, आप आएंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरा और चिक्की दोनों लोगों का ओपिनियन है, जो वेट था वो वर्थ था। तो हमने जो ऑर्डर किया था खाना, पनीर मटर मसाला और नान जैसा खाया, ऐसा नान कहीं नान बहुत सॉफ्ट था, च्यूई थोड़ा भी नहीं था, ऐसा नान हर जगह होना चाहिए। अरे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खाना था। और मैं एक और क्या था ऑर्डर, दाल दाल तड़का जीरा राइस, हाँ एक वेज प्लेटर भी ऑर्डर किया था। इन सारी चीजों का मिला के जो टोटल बिल है वो 658 डोंग्स का, मतलब लगभग इंडियन करेंसी में 2000 के आसपास, 2200-2300 के आसपास। मेरे ख्याल से रीजनेबल कहेंगे, जिस तरह का सेटअप है, जिस तरह का रेस्टोरेंट है, जितना फेमस है उस सबसे मैं एक्सेसिव नहीं बोलूंगा, वो भी इंडिया के बाहर। इंडिया में भी इस तरह के रेस्टोरेंट में खाने के जाएंगे तो लगभग इतना बिल आ ही जाता है। उसी वॉकिंग स्ट्रीट का जो एंड है, उस एंड पे है पीपल्स कमेटी का जो हेडक्वार्टर अभी, और ये भी 19 सेंचुरी में बना हुआ है, फ्रेंच कॉलोनियल स्टाइल में। काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है, ओवरऑल बिग थम्स अप फॉर दिस एरिया इन हो ची मिन्ह सिटी। ये वियतनाम का सबसे लाइवली बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट, चल के देखते हैं कि क्या है, कैसा है, बिहेवियर है या वापस चलना चाहिए। मेरे मतलब बिल्कुल भी एरिया नहीं है, बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा शोर शराबा भीड़ भाड़, लोग बैठ कर बियर पी रहे हैं, डांस देख रहे हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों में एंजॉय करते हैं तो आप यहाँ के एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लाउंजेज हैं, पब्स हैं, टू मच लाउड म्यूजिक, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आप एक दूसरे के पास सुन ही नहीं सकते हैं। मुझे पता नहीं कि मेरी आवाज़ अभी माइक पर आ रही है कि नहीं है, मुझे वापस से इसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ेगा। जिस होटल में मैं रुका हूँ उसका नाम है लिबर्टी सेंट्रल सैगॉन रिवर साइड, काफ़ी अच्छा होटल है। और इसके लिए पर नाइट जो मैंने पे किया था वो था 4300 रुपीज़, और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं, पर जिस तरह का होटल है, जो लोकेशन है, उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है टोटली। आप देखिए होंगे मेरे चारों तरफ ये रिवर साइड पार्क बना हुआ है, ये हमारा होटल है, और पीछे ये बिटको फाइनेंशियल सेंटर, और दूसरे साइड में है सैगॉन रिवर, और यहाँ पर है फेरी टर्मिनल। लोकेशन वाइज टोटली ऑसम। अभी हम लोग चलते हैं, पहले कुछ पेट पूजा करेंगे, ब्रेकफास्ट ब्रंच टाइप का, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे हो ची मिन्ह सिटी। सामने है न्यू वर्ल्ड होटल, उस न्यू वर्ल्ड होटल के सामने एक पतली सी गली है जिसके अंदर है रेस्टोरेंट बनाना लीफ सैगॉन। इधर आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हो ची मिन्ह बाकी देश के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे पीने के लिए पानी सर्व किया जाता है, बाकी जगहों पे इंडियन रेस्टोरेंट हो या लोकल रेस्टोरेंट हो या इटालियन रेस्टोरेंट हो, आपको पानी खरीदना पड़ता है। तो ये बनाना लीफ रेस्टोरेंट में मैं तीन आइटम ऑर्डर किए, एक था पाइनएप्पल जूस, जैसा होता है वैसा ही था, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। इडली ऑर्डर किया है और मसाला डोसा ऑर्डर किया है। चटनी सांभर बहुत अच्छा था, तीन तरह की चटनी, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, वाइट चटनी, और डोसा काफ़ी बड़ा, साइज काफ़ी अच्छा था, तीन इडली देख रहे हैं, स्वाद में भी काफ़ी अच्छा था। एक ही चीज़ मुझे लगी, मेरे टेस्ट के हिसाब से नमक काफ़ी कम था मसाला में, मैंने इनको सजेस्ट किया नमक से, तो बोला कि पहले से बताते तो ज़्यादा नमक डाल के बना सकते थे, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं बनाना लीफ में खाने के लिए, आपको थोड़ा तेज़ नमक पसंद है तो बोल दीजिएगा, मसाला डोसा में नमक ज़्यादा डाल के आपको सर्व करेंगे। कंसिडरिंग आप इंडिया से बाहर हैं तो थोड़ा सा इंडियन खाना महंगा होता ही है, ये भी स्लाइटली हाइयर साइड पर था। इंडियन करेंसी में ये सारे आइटम का जो बिल आया वो है 3,90,000 डोंग, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 1400-1500 रुपये। पेट पूजा के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी हो ची मिन्ह के सबसे बड़े और सबसे पुराने ट्रेडिशनल मार्केट में, बेन तान मार्केट बोलते हैं, चल के देखते हैं क्या है मार्केट, कैसा है, प्राइसेस कैसे हैं, सारी बातें मार्केट में पहुँच के।